जी नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो वीरेंद्र कुमार यखराज अफतान झाझा के मनोरम स्थल से लाइव। आज झाझा के तमाम बुजुर्ग कार्यकर्ताओं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां एक वनभोज के साथ साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे साथ जो वनभोज के आयोजक हैं मैं उनसे भी बात करूँगा और यहाँ जिला अध्यक्ष कन्हैया जी भी आए हुए मैं उनसे भी बात करूँगा। राष्ट्रीय कार्य समिति के जो सदस्य हैं प्रकाश भगत जी वो भी आए हुए। तमाम जो यहाँ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी लोग मौजूद हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, मैं एक एक से बात करने की कोशिश करके आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दर्शकों प्लीज, जो बैठक हुई है उसमें मुख्य रूप से झाझा विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाए, जम्मू लोकसभा क्षेत्र का चार विधानसभा क्षेत्र में हमारी भागीदारी क्या होगी, इस पर भूमिका बंधी और सारे लोग अपने अपने विचार दिए। और हम लोगों के नेता जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रकाश विशेष रूप से प्रेषित किया कि यहाँ का चारों हम लोग जिला का चारों विधानसभा कोशिश करेंगे कि हम प्रदेश का नेतृत्व इस चारों विधानसभा से चुनाव हमारे लड़ावे, क्योंकि हम लोग चारों विधानसभा में इतना मजबूत है कि हमारे टक्कर में कोई दूसरा विपक्ष है ही नहीं। जो शख्सियत जुड़ रहे हैं किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सांसद प्रतिनिधि के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रकाश भगत जी, मैं इनसे जानना चाहता हूँ सर, अभी जो बैठक हुई उसका उद्देश्य क्या था और कई टूट फूट दिखाई पड़ी मीडिया को, सर इस टूट फूट को कैसे मरम्मत करेंगे आप? न टूट फूट वाली बात नहीं है, क्योंकि यह वनभोज का कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार का आयोजन हर साल किया करते हैं और जब परिवार के लोग एक जगह बैठे तो दुख दर्द भी शेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि बात समझ कहाँ कमी रह गई, कहाँ अच्छा रहा, कहाँ कमी रहा, इसको जो कमी का संज्ञान में आता है इसको दूर करने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। और समझते हैं अच्छी बात है कि आपस में बैठकर अगर कोई कमी है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद उसे दूर करना चाहिए। और बैठने का उद्देश्य सिर्फ मीट टुगेदर और हम सब एक है, अपनी ताकत को और बढ़ाएँ जिला में और मैंने इस तरह कार्यक्रम और विधानसभा क्षेत्र में हो। इस तरह का भी चर्चा हुआ है कि हम लोग कार्यक्रम में साल में दो बार तीन बार चार बार करें, इस तरह से कि पूरे जिला के वरिष्ठ लोग जुटे और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बारे में चर्चा करें, इसके विस्तार के बारे में चर्चा करें और एक दूसरे से परिचय हो, व्यक्तिगत परिचय हो, इस पर भी हम लोग का ध्यान था। मैंने जो टूट फूट जो शिकायत कार्यकर्ताओं ने, कुछ शिकायत मतलब परिवार में ऐसा होता है, सीधा ये कहना आपका? वो तो शिकायत नहीं है, एक तरह से उनका जो तकलीफ है वो रखा गया और उस पर हम लोग जो सक्षम लोग हैं उस पर विचार करके उसको खत्म किया जाएगा। थैंक यू सर। सुरेंद्र जी, आज जो बैठक आपने किया इसका मकसद क्या था? मेरा मकसद है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो एक परिवार के रूप में हुआ और परिवार हमारा कहीं जो है राजनीति जब होता है तो कहीं बिछड़ जाता है, छूट जाता, आपसी विवाद होता है, तो हम अपना परिवार को एक करने के लिए कहीं किसी भी परिस्थिति में ना छूटे ना टूटे, हमारा परिवार एक रहे। और जो हमारा लक्ष्य है कि देश में किसी भी तरह की परिस्थिति हो, जैसे NRC सी आ गया है, तो हमारा परिवार जब एक रहेगा तो हम जाके जनता के बीच में अपनी बात को अच्छे से ढंग से रखेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। इसलिए हमारे तमाम कार्यकर्ता एकजुट रखने का प्रयास किया, अपना परिवार। थैंक यू। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया जी जुड़ रहे हैं। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि हम चारों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी, दर्शकों का आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी का चिराग पासवान ने भी कहा कि हम लगभग तीन विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं तीनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, जदयू और लोजपा तीनों अभी एक गठबंधन में है, तो सर कैसे चारों, क्या आप लोजपा को दरकिनार करेंगे या फिर चारों विधानसभा? वो बात मैं दरकिनार की बात नहीं बोला, मैंने कहा कि मेरा संगठन भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभा में बहुत मजबूती के साथ है। अगर मैं यहाँ से नेतृत्व को खबर करूँगा, लोग आके देखेंगे कि अगर हमारा संगठन मजबूत हो सकता है चारों विधानसभा लड़ने के लिए मैं सक्षम हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता सिपाही हैं, कर्मठ हैं, और मैं यहाँ से चारों विधानसभा से अपना विधायक भेजने का विधायक भेजने के लिए सक्षम हूँ, इस उद्देश्य से मैंने बताया। क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, कई कार्यकर्ताओं में अभी भी क्षोभ है, कई कार्यकर्ता अभी भी निराश हैं,
तो उन लोगों की निराशा कैसे दूर होगी सर? अरे उन लोगों की निराशा एक परिवार परिवार जब में जब लोग रहते हैं तो कुछ ना खुश होते ही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबको मिला जुला के चलने का, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करूंगा। और ये कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसा होता है और हम लोग सभी एकजुट हैं और एकजुटता दिखाएंगे। थैंक यू सर। हमारे साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित मोर्चा के रामदेव पासवान जुड़े हैं। सर क्या कहना है? हम लोग आज सुरेंद्र यादव जी, बिंदेश्वरी साहु जी, बी डी राम साहब, मुन्ना साहु जी के सहयोग से प्रत्येक वर्ष वनभोज का आयोजन करते हैं, जिसका मकसद पार्टी के नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मिलन जुलन बातचीत होना और पार्टी को मजबूत करने और संगठन को मजबूत करने पर जोर देने का ये है। और आज मैं महसूस करता हूँ कि विगत वर्षों के अपेक्षा हमारी पार्टी चाहे जम्मू में हो झाझा में हो काफ़ी मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं और हम लोग सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, आगे भी एकजुट रहेंगे। ये कोई मायने नहीं रखता है कि मेरा विधायक कौन हो, पार्टी जिसको भी चिन्ह देगी मैं उनके साथ रहूंगा और बीजेपी की भारी जीत होगी। थैंक यू। दर्शकों आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का पारिवारिक मिलन आज इस वनभोज कार्यक्रम में हो रहा है। जो भाजपा के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह जी उनसे मैंने उन्होंने साफ कहा था कि चारों विधानसभा सीटों पर हमारी जीत होगी, हम लड़ देंगे चारों विधानसभा पर। जब मीडिया ने उनसे बात किया कि चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी का, उन्होंने कहा था 3 विधानसभा सीट पर हम लड़ेंगे। ऐसे में गठबंधन में रहते हुए अगर दोनों पार्टी में टक्कर होगी तो पता नहीं स्थिति क्या होगी। हालांकि बहुत सारे लोग थे भाई, बहुत सारे कार्यकर्ताओं में असंतोष भी अब था, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य प्रकाश भगत ने कहा कि परिवार जब इतना बड़ा है तो थोड़ा बहुत टूट फूट होता ही, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे। दैनिक लाभ न्यूज 24 के लिए झाझा जम्मू से वीरेंद्र कुमार की खास।